हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करते हैं आपको अपने इस चैनल में। और यहाँ पे आज हम आपको श्रीनगर के शोर शराबे से दूर खामोश और एकांत में लेके चलते हैं। और यहाँ वैसे तो अगर श्रीनगर में बात करें तो कहीं जो मुग़ल बागात है, लेकिन इससे परे और इससे हटके जो हरवन का गार्डन है वो अपनी शांत वातावरण और खूबसूरती के लिए इक्वली फेमस है। तो इस गार्डन में लेने से पहले आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप नए हमारे चैनल पे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर ये बताएं कि आप इस गार्डन में आए हैं, नहीं आए हैं, और हमारे वीडियो को अंत तक देखें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जो हमारे अगले वीडियोज़ हैं वो आप तक उनकी नोटिफिकेशन आते रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज का सफ़र और लिए चलते हैं आपको हरवन गार्डन। पहाड़ों के बीच एक रोमांच से भरा अनुभव कराने के लिए आज हम घुमाने के लिए आपको ले जा रहे हैं श्रीनगर से करीब 18 किलोमीटर दूर एक बाग की सैर पर। ये बाग कश्मीर के बाकी मुगल गार्डन से बिल्कुल अलग है। जी हाँ, आप सही समझे, हम आगे हैं हरवन। कश्मीर को पृथ्वी पे स्वर्ग कहा जाता है। ये शहर इतना खूबसूरत है कि यहाँ आने वाले लोग इसे जन्नत मानते हैं। यहाँ की ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, दूर दूर तक फैले हरे भरे घास के मैदान, साफ और सुंदर झीले, बर्फ से ढकी पर्वत श्रृंखलाएं और साथ ही यहाँ के खुशमिजाज लोग इस प्रदेश की खूबसूरती को दुगना करते हैं। मनमोहक पहाड़ियों के बीच में शालीमार बाग, निषाद बाग, चश्माशाही जैसे उद्यानों ने पर्यटक स्थलों के रूप में अपनी अलग पहचान बनाई है। कश्मीर के मुगल गार्डन्स के विपरीत, जो अपनी उत्कृष्ट डिजाइन वाले छतों और सुंदर फंवारों और टेरेस्ड गार्डन के लिए प्रसिद्ध है, पहाड़ के दामन में स्थित ये बाग पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए अपने शुद्ध प्राकृतिक सुंदरता से हर एक का दिल जीत लेता है। अगर आप जम्मू कश्मीर घूमने आए हैं तो आप इसकी सुंदरता के बारे में जानते ही होंगे, लेकिन जिन लोगों ने अभी तक कश्मीर को नहीं देखा है उन्हें एक बार यहाँ जरूर आना चाहिए, क्योंकि ये जगह किसी विदेशी पर्यटक स्थल से कम नहीं है। यहाँ कुदरत ने खूबसूरती बिखेरने में कोई कंजूसी नहीं की है। पहाड़ के दामन में स्थित इस बाग में कई चिनार के सायादार पेड़ हैं और साथ ही हरे घास की मखमली कालीन इसकी सुंदरता को और बढ़ाने का काम करती है। और वहीं इस बाग की अगर हम बात करें तो इसी बाग में बच्चों के लिए भी झूले लगाए गए हैं। Thank you.
इलाके की हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस भी है कि इसी इलाके में एक बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री भी है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल इस जगह हुई थी, जिसके बाद बुद्धिज्म लद्दाख, तिब्बत और चाइना तक स्प्रेड हुआ था। इस बाग में कई प्रकार के फूल और अन्य पेड़ पौधे यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ का वातावरण आपको एक अलग जहां में ले जाता है। हरवन के इस बाग में काफी कम संख्या में टूरिस्ट पहुंचते हैं, लेकिन अगर स्थानीय लोगों की बात करें तो यहाँ पे लोगों की काफी भीड़ उमड़ आती है। खासकर स्कूल्स अपने पिकनिक के लिए यहाँ आते हैं और वहीं साथ में आसपास के इलाकों के लोग गर्मियों के महीनों में यहाँ पे अक्सर आते हैं, क्योंकि यहाँ पे बाकी शहर के मुकाबले तापमान में भी कमी होती है। बाग के एक तरफ पानी की नहर इसी रिजर्वायर से आती है। पानी की सरगम यहाँ घूमने वाले लोगों की दुनिया की परेशानियों और स्ट्रेस से अलग कर देती है और यहाँ आए लोग एक पुरसकून माहौल महसूस करते हैं। ऊपर से देखने में बाग काफी खूबसूरत नजर आता है। बाग के ऊपरी हिस्से में सरबंद है, ये झील नुमा रिजर्वायर श्रीनगर के कई इलाकों को पेयजल सप्लाई करता है। इस लेक में दाचीगाम नेशनल पार्क से निकलने वाले पानी की नहर फीड करती है। यहाँ से ही आप महादेव पर्वत भी देख सकते हैं। हरवन को महादेव और दाचीगाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का द्वार भी कहा जाता है। करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो भी पसंद आया होगा और हरवन गार्डन के इस वीडियो में आपको क्या कुछ देखने को मिला, क्या अनुभव हुआ, कमेंट्स में आप जरूर बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में आपके समक्ष फिर किसी जगह से उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।